बीच बीच में छूट भी जाती है कथा जब दूसरा प्रसंग। आओ पहले राम भक्त जो हैं हनुमान जी के चरण में हम आए, उनकी कृपा की याचना करें। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, जब से रामायण पढ़ ली है यन पढ़ एक बात मैंने समझ ली है, एक बात मैंने समझ क्या, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न राम जी चले न हनुमान के बिना, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, लक्ष्मण बचना कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना, बूटी मिले ना हनुमान, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले राम जी चले ना हनुमान के बिना, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जवानी सुनो, बनवारी मेरी जवानी सुन, वापस मिले ना श्री राम के बिना, वापस मिले ना श्री, सीता चले ना हनुमान के बिना, पता चले ना हनुमान के भी, सबको बात समझ आ गई होगी। सीता हरण की कहानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जवानी सुनो, बनवारी मेरी, वापिस मिले ना श्री राम के बिना, वापिस मिले ना श्री, पता चले ना हनुमान के बिना, पता चले, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना राम जी चले ना हनुमान के बिना, Thank you.
बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, शब्दों की ओर ध्यान दें। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना राम जी, चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीता राम, पतिता पावन सीता राम, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, याद रखो आप सारे, हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं भगवान के, और वो रुद्र हैं, ज्ञान में रुद्र के अवतार हैं वो। तो हनुमान जी से हम भक्ति मांगे भगवान की, और कुछ नहीं। भगवान राम त्रेता युग में हुए, कृष्ण भगवान द्वापर में उसके बाद, लेकिन उस समय भी हनुमान जी साथ में थे, कृष्ण भगवान के भी साथ में थे। कृष्ण भगवान ने बहुत सारे कार्य हनुमान जी से करवाए, तो करते हनुमान जी ने एक बात कही थी, को ध्यान से सुनो। जब हमें अहंकार आ जाता है ना, तो इस बात को ध्यान में लाओ। प्रायः अहंकार आ जाता है, मैं इसमें निपुण हूँ, मैं उसमें निपुण हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ। अहंकार जब आता है तो जीव का पतन हो जाता है। हनुमान जी सीता माता की खोज करने गए थे। सीता माता जी की जब खोज करने गए, लंबी बात है छोटी कर रहा हूँ, लंका में खोज रहे हैं सीता माता को, कहाँ है माता। तो उनको एक घर मिला, वहाँ पर दीवारों पर विष्णु भगवान के शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह अंकित थे, तुलसी वृंद वहाँ था, तुलसी माता वहाँ थी। हनुमान जी सोचने लगे, ये लंका में यह तुलसी माता और ये विष्णु भगवान के चिन्ह अवश्य किसी भक्त का घर है। पहचान लिया, हनुमान जी अंदर गए। अंदर जब गए तो कौन था उधर अंदर? भविष्यन जी। और भविष्यन जी क्या कर रहे थे? श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम।
रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीता राम, पतिता पावन श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय। जब हनुमान जी अंदर गए तो भविष्य जी कीर्तन कर रहे थे। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए उनको देखकर, भाई यहाँ लंका में ही भक्त है मेरे भगवान का। और झट भविष्य जी भी उनको पहचान लिया कि राम भक्त हैं। राम भक्त ने भविष्य जी को पहचाना, भविष्य जी ने हनुमान जी को पहचाना, दोनों राम भक्त हैं। तो भविष्य जी बेचारे लंका में जन्मे हैं, भाई राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, बड़े परेशान। वो भविष्य जी ने ये हनुमान जी को कहा कि मैं यहाँ लंका में ऐसे रह रहा हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, जीव थोड़ी सी कोताही करेगी तो दांत काट देंगे उसको, ऐसे मैं रह रहा हूँ यहाँ पर 32 दांतों के बीच में जैसे जीव रह रही है ऐसे मैं लंका में रह रहा हूँ। पर हनुमान जी आपके दर्शनों से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तब भविष्य जी ने ये शब्द कहे, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, अब मोहे भाव बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवयो सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवयो सुदशरथ अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती, सब तजी भजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे कृष्ण हरे तो भविष्य जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी मैं अपने भाग्य को कोसता था, मैं कहाँ पैदा हो गया राक्षसों के बीच में, बड़ा दुखी था मैं, लेकिन आपके दर्शन करके हनुमान जी अब मुहे भाव भरोस हनुमंता, मुझे ये भरोसा हो गया है कि मेरे बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, मेरे पर भी जरूर भगवान की कृपा है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। अभी देखो हनुमान जी की तारीफ की भविष्य जी ने, तब हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं भविष्य जी मैं बानर हूं जाति का, मैं बानर हूं, मेरे प्रभु राम सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा देखो मुझे अपनी सेवा दे दी उन्होंने। भक्त ये सोचता है, ये नहीं मैं बड़ा बहुत बड़ा भक्त हूँ, हनुमान जी कहते हैं मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। भजन लिखने वाले ने लिखा है ना कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना भी भाव है, पर हनुमान जी कहते हैं मेरे राम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ नरलीला कर रहे हैं भगवान, और जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्रेय दिया, अर्जुन को श्रेय दिया युद्ध का, उसका उद्घाटन हुआ, वो जो थे क्या नाम था उनका,
बारबरिक, बारबरिक जो थे वो भी कौरवों का साथ देने वाले थे। उन्होंने कहा था भगवान को, जो हारेगा मैं उसकी मदद करूंगा। तब भगवान ने कहा, बारबरिक अगर हारने वाले के पक्ष में धर्म नहीं होगा तो क्या, ये मैं नहीं जानता, जो हारेगा मैं उसकी मदद करूंगा। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अच्छा रुकिए मुझे कहते, भगवान ने चक्कर छोड़ा अपना, बारबरिक का सर काट दिया। और बारबरिक हंस रहे हैं बड़े, कहते प्रभु ये मेरी, मैं जान गया था कि आप भेष बदल के आए हैं, ब्राह्मण रूप में आए हैं, मेरी इच्छा थी कि मैं आपके हाथ से मरूं, मेरी मुक्ति हो जाएगी ना। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं। भगवान कहते हैं बारबरिक हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तू वर मांगो। कहते हैं प्रभु मैं एक तो आपके हाथों मरना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब ये किया, और वो तो मेरा काम। अभी दूसरी मेरी इच्छा ये महाभारत युद्ध देखने की थी। भगवान कहते हैं तथास्तु। बारबरिक जी के सर को भगवान ने एक वृक्ष पर बैठा दिया, अब यहां बैठ के सारा महाभारत का युद्ध देखोगे, मैं आपको दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। अभी महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव सेना, कौरव दल के लोग प्रायः खत्म हो गए, पांडवों की विजय हुई। राक्षस लोग, कौरव लोग तो सोच रहे थे हम विजयी होंगे, हमारे पास बड़ी शक्ति है, पर कौरवों के पास भगवान नहीं थे, पांडवों के पास कृष्ण थे। शक्ति सारी उतरी थी लेकिन पांडवों के पास कृष्ण थे, बिना कृष्ण के कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी विजय हुई तो भगवान कहते हैं पांडवों को, चलो बारबरिक के पास चलते हैं। बारबरिक जी का आह्वान किया, उनका सर आ गया। तो बारबरिक जो थे भीमसेन के पुत्र थे कुटोत्कच, वो एक राक्षस थे, हडिम्बा राक्षस थे, उनका जन्म हुआ था। और कुटोत्कच के पुत्र थे बारबरिक, कुटोत्कच ने भी अपना बलिदान दिया था, वो भी पांडवों की रक्षा करते करते उन्होंने बड़ा काम किया। तो बारबरिक जो थे वो आगे, उनका सर आ गया, पांडव द्रौपदी माता सब आ गए, कृष्ण भी हैं। तो सहदेव ने या नकुल ने ये पूछा कि आपने सारा महाभारत का युद्ध, कहते मैंने सब कुछ देखा, मैंने भगवान का विराट रूप भी देखा, अब ये बताओ इन सब में बड़ा योद्धा कौन था। बारबरिक जी हंसने लगे, उनका सर हंस रहा है, मुंह हंस रहे हैं। द्रौपदी कहती हैं आपको पूछा कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, आप हंस रहे हैं। कहते हाँ बात ही हंसने की आपने। कहते क्यों, बारबरिक जी बोलने लगे, सच्चाई बोलने लगे। तो भगवान कहते बारबरिक, तब बारबरिक ने कहा प्रभु सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। भगवान चुप हो गए। बारबरिक जी कहते हैं असल में ये युद्ध कौरवों पांडवों में नहीं था, ये कौरवों में और कृष्ण के बीच में युद्ध था। कहते जब मेरे पितामह अर्जुन करण से युद्ध कर रहे थे, करण में बड़ी शक्ति थी, तो भगवान का बाण जो है मेरे पितामह के, भगवान का जो चक्र है अर्जुन के बाण के साथ जाता था। इस सारा योद्धा भगवान ने ही मारे हैं। तो सबको फिर पता लगा कि कैसे युद्ध हुआ, कोई सो रहे थे मैं बड़ा। अभी जैसे अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। कृष्ण को कहते हैं अर्जुन, मैं जब करण को बाण मारता हूं उसका रथ कितना पीछे चला जाता है, और करण जब मुझे बाण मारता है तो मेरा रथ थोड़ा सा पीछे खिसकता है। और आप कहते हैं धन करण धन करण, ऐसा क्यों? ये अर्जुन ने कृष्ण भगवान को पूछा। तब भगवान कहते हैं अर्जुन तुम जानते हो मैं कौन हूं? कहते हैं हाँ आप त्रिलोकीनाथ हैं, भगवान हैं, मैंने सारे त्रिलोकी का भार
तेरे रथ पर डाल रखा था। कर्ण में इतनी शक्ति थी, उसका बाण फिर भी इतना भार होने पर भी ऊपर हनुमान जी को बैठा के रखा है और रथ को पीछे खिसका देता था। और तेरे बाण से पीछे चला गया तो उसमें क्या है, शक्ति तो उसमें थी। फिर अर्जुन को समझ आई, अहंकार गया अर्जुन का। तो सब लीलाएं भगवान करते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। सीता हरण की कहानी अभी लेखक लिख रहे, मेरी जवानी सुनो, सीता वापस नहीं मिल सकती थी राम जी के बिना, और पता चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी ने ही पता लगाया था सीता माता का। बोलो राम भक्त हनुमान की। आओ अभी आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जसु यो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानी के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या लयो मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सा, जय कपीश तेह लोक, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुतना, महावीर विक्रम बजरंग, कुमति निवार सुमति के संग, कंचन बरन विराज सुमेशा, कानन कुंडल कुंठित, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ सर, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आत, प्रभु श्रेष्ठ सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी सियही दिखावा, भिक्त रूप धरी अंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहा, रामचंद्र के काज सम, लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षे उरलाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समबाय, सहस बदन तुमरो जस गामी, अस कही श्रीपति कंतल, संतादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सा सहित अहिसा, यम कुबेर दिग पाल जहां दे, कभी को विद कही सके कहां, तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए राज पद दीना, तुमरो मंत्र भविष्यन मान, लंकेश्वर भय तब जगन, युग सहस्र जो जन परवानु, लियो ताही मधुर फल मा, प्रभु मुद्रिका मेले सुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम रेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक खांकते, भूत पिशाच निकट नहीं आ, वीर जब नाम सुनाम, नासे रोग घरे सब पीड़ा, जब तन निरंतर हनुमत,
संकट थे हनुमान चुना मन क्रम वचन तो राम सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजिया साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुला अष्ट सिद्धि नाने दिखे दाता अश्वर दीन जान राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भात का और देवता चित ना धरिए हनुमत से ही सर्व सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल भीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सत बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख हो जो जय पड़े हनुमान चल होए सिद्धि साखी गौरी का तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महानेरा कीजे नाथ हृदय महानेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महानेरा पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु सिया भर रामचंद्र की जय राधा भर कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई प्रभु पाद की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री राम चंद्र कृपालु भजु हरन भव दारुणम नव कंच लोचन चमुख कर कंच पद कंचा कंदर्प अगिन अमित शबिना नीलत सुंदरम पट पीत मानो तड़त रुचि नोमि जनक सुख बजु दीन बंदनेश दा दत्त वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद चंद दशरथ नंद सिर मुकट कुंड तिलक चार उधार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप दर संग्राम इत खर दूष इति बदित तुलसी दास शंग शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंच निवास कु कामादि कल कंज मन जाहिराज मिलहि सोबर सहज सुंदर सांबरो करुणा निदान सुजान शी
स्नेह जान रावरो एही भांति गारी आशीष सुनति सहित हिय हर्षित अलि तुलसी भवानी पूजि पुनि मुदित मन मंदिर जानी गौरी अनुकूल सिए हिय हर्षु न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर कन लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। कथा प्रारंभ होत है सुनिए वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की राधावर कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई प्रभु पाद की जय। आज 65वें दिन की जो कथा है वो 21वां सर्ग है। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय के योग्य बात कही। ये प्रसंग चल रहा है, ककेई माता ने राम जी के लिए वनवास मांगा और भरत के लिए राज्य, वही प्रसंग चल रहा है। बड़ी दुखी हैं श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय के योग्य बात कही। बड़ी माँ मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके मन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है। लक्ष्मण जी गुस्से में कह रहे हैं, पर भरत अपना दशरथ महाराज ऐसे नहीं थे, दशरथ बहुत महान थे। अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश ककेई जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते हैं। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। अब ध्यान रखो कि ये जो ककेई की माता थी, इन्होंने राम जी को वनवास में भेजा था, ये राम जी की ही इच्छा थी। राम जी की इच्छा थी कि वो वनवास जाना चाहते हैं। बाल रूप में भगवान थे जब छोटे थे, भगवान तो बड़े हैं पर बाल रूप में वो जब थे तो उन्होंने रो रहे हैं, भगवान राम बड़ा रो रहे हैं। जब रो रहे हैं कौशल्या ने कहा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो तुम, चुप कर जाओ। तो तब राम जी कहने लगे, माता अगर तुम मुझे 14 साल के लिए वन में भेजेगी तब मैं चुप करूंगा। तो तब कौशल्या माता कहती हैं, मैंने 29,000 साल की तपस्या करके तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया है, अरे मैं कैसे तुम्हें वनवास भेज सकती हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। भगवान चुप नहीं। सुमित्रा माता ने भी यही मना कर दिया, मैं नहीं कर सकती। आकर ककेई माता ने, बेटा राम तुम्हें क्यों रो रहे हो तुम, कि माँ मैं 14 सालों के लिए वनवास जाना चाहता हूँ। ककेई कहती, मैं आपको वनवास भेजूंगी। कहते फिर तुम्हारा सुहाग चला जाएगा। कहते आप तो खुश रहेंगे ना, राम जी त्रिलोकीनाथ भगवान है। कहते कोई भी अपनी क्या, कौन
कौन लेके आया? विनोद जी। अच्छा, विनोद जी लाए तो फिर पहनना ही पड़ेगा हमको, बड़े भाव से लाए हैं विनोद जी। तो मैं कैसे तुम्हें, मैं कई माता कहती है मैं भेजूंगी आपको बनवाए, सुमित्रा और कुशल्या ने मना कर दिया। तो तब राम जी कहते हैं बाल रूप में, माँ तुम्हारे नाम से कोई अपनी बेटी का नाम नहीं रखेगा? कहते कोई बात नहीं, आप तो खुश होंगे ना। तो ये सब जानबूझकर ककई माता ने किया था। लक्ष्मण जी का प्रेम है राम से, इसलिए वो ऐसे शब्द कह रहे हैं। असल में भक्तमाल में ये कथा आती है, ककई बहुत बड़ी भक्त हुई भगवान की, पर उनके देखो भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, राम जी प्रसन्न हों, कृष्ण प्रसन्न हों, ऐसा हमारा कार्य होना चाहिए। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध सरल जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का अकारण परित्याग करेगा? असल में दशरथ जी तो नहीं करना चाहते थे बेचारे, लेकिन ये सब अभी समय की बात है। जो पुनः बाल भाव विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है? रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता हूँ, आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है? नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से शून्य कर दूंगा। जो जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, उन सब का मैं वध कर डालूंगा। क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। ये भी बात है, राम जी तो बड़े कोमल थे ना, भगवान है और बड़े भी नम्र हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं था, यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो, पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है सारा, लेकिन दशरथ महाराज बड़े महान थे। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमारक पर चलने लगे, तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। गुरु भी अगर ठीक नहीं है तो उसका भी त्याग किया जा सकता है, दंड भी दिया जाता है उसको। पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायता प्राप्त हुआ यह राज्य अब कैकेयी को देना चाहते हैं? शत्रु दमन श्री राम आपके और मेरे साथ भारी बैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राजलक्ष्मी ये भरत को दे दे? देवी बड़ी माँ, मैं सत्य धनुष दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। राम लक्ष्मण की जोड़ी, भरत शत्रुघ्न की जोड़ी। लक्ष्मण जी जो हैं बड़ा प्यार करते थे राम जी को। देवी आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में
या गोर घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। लक्ष्मण जी का भाव राम जी के लिए। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें, जैसे सूरज उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। जो ककेई में असक्त चित होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव अविवेक में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, महामनस्वी लक्ष्मण के यह ओजस्वी वचन सुनकर शोक मगन कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली, कौशल्या माता क्या कह रही है, बेटा तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली, यदि यंचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझे शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, कौशल्या माता कह रही है। धर्म धर्मिष्ठ तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्गलोक में चले गए थे। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूं, मैं तुम्हें बन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहां से वन को नहीं जाना चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर ना मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है और ना सुख से। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। कौशल्या माता का बड़ा प्रेम है लक्ष्मण राम भगवान से। तो कौशल्या माता कहती हैं, क्या कहे उन्होंने पीछे शब्द, तुम्हारे साथ तिनके चबाकर जंगल में रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। घास फूस जंगल में हमें तो फल फूल मिलते हैं, पहला पुरानी बात है, द्वापर की बात है, ये त्रेता युग की बात है। बेटा ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्मत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया था। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा भगवान रामचंद्र ने यह धर्मयुक्त वचन कहे। भगवान ने क्या कहा, माता मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं, मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है। देखो ये है, कहा है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई।
प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अतः मैं मन को ही जाना चाहता हूं, भगवान की इच्छा थी। वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था पिता की आज्ञा से। कंडू मुनि ने हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए हैं जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए। राजा सगर के पुत्र पिताजी ने आज्ञा दी थी उनको। जमदाग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। देवी इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है। अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूंगा। देवी केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूं, जिनकी मैंने अभी चर्चा की है उन सब ने भी पिता के आदेश का पालन किया है। मां मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभिष्ट था, मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूं। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है, वही मैं भी करने जा रहा हूं। इसके विपरीत कोई ना करने योग्य काम नहीं कर रहा हूं। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता पिता की आज्ञा पालन करने वाला। तो देखो असल में ये तो राम जी की इच्छा थी ना, ककेई माता निमित्त बनी उनको वनवास में भेजने के लिए। अगर भगवान वनवास में नहीं जाते तो रावण का वध कैसे होता, बड़े राक्षसों का वध कैसे होता, ऋषि मुनि जो जंगलों में बैठे हुए थे उनको राक्षस लोग परेशान करते थे, तपस्या नहीं करने देते थे, उनका वध कैसे होता। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्य बेताओं में श्रेष्ठ, वाक्य बेताओं में कई लोग बातों में बड़े निपुण होते हैं पर हमें बातों में निपुणता है ना, उस निपुणता को कृष्ण सेवा में राम सेवा में लगाना चाहिए। कई आदमी बातों में निपुण अपने आप को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, मैं सही तुम गलत, ऐसा करना ठीक नहीं, ऐसा करना अपराध है। ऐसे हमने देखे कई मतलब जो हैं वाक्य बेताओं में श्रेष्ठ समस्त धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, क्या कहा भगवान ने, लक्ष्मण मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है प्रेम था ना उनका, पहले मैंने कहा आपसे, उसे मैं जानता हूं, तुम्हारे पराक्रम धैर्य और दूरदर्श तेज का भी मुझे ज्ञान है। शुभ लक्षण लक्ष्मण मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और शम के विषय में मेरे
अभिप्राय को ना समझने के कारण है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। वीर धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। वीर अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही ककेई ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। असल में ककेई ने अपने दो वचन, देवासुर संग्राम हुआ था तो देखो यहाँ के राजा दशरथ महाराज बड़े महान थे, वो देवताओं की मदद करने के लिए गए थे असुरों के साथ संग्राम स्वर्गलोक में गए, तो ककेई ने कहा मैं साथ चलूँगी, तो दशरथ महाराज मूर्छित हो गए, तो ककेई ने झट जो है रथ को अलग ले गई और उनका ध्यान किया। और ये भी वर्णन आता है कि दशरथ जी के रथ का धूरा निकल गया, तो ककेई ने अपना हाथ देखकर अंदर उसको पकड़ के रखा था, तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि तूने मेरी जान बचाई है। ककेई माता ने कहा था मैं अपने सुहाग को बचाया तो ये मेरा कर्तव्य था, तुम मांगो, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें एक के बजाय दो बार देना चाहता हूं। दशरथ जी कहते हैं, दशरथ जी बार बार कह रहे हैं ये भी प्रभु की इच्छा थी, अच्छा अगर आप इतने हैं तो मैं समय आने पर मांग लूंगी अपने दो बार, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये राम जी की इच्छा थी वन में जाने की, इसलिए केवल क्षात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो, राम भगवान कहते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम, रघुपति राग विराजा राम रघुपति, भक्तों के रखवाले राम धनुष बाण धारी राम धनुष बाण, श्री राम जय राम जय जय राम श्री जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। देवी मैं जहां से मन को जाऊंगा तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ, यह बात मैं अपने प्राण की शब्द दिलाकर कहता हूं। जैसे पूर्व काल में राज ऋषि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊँगा। माँ शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक ना करो, पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊँगा। तुमको मुझको सीता को लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही
रहना चाहिए, यही सनातन धर्म है। बोलो सनातन धर्म की जय। माँ यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो, अपने मन की मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। श्री रामचंद्र जी की यह धर्मानुकूल तथा व्याकरता और अकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाए उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गई तथा अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी, बेटा धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं वैसे ही मैं भी हूँ। वैसे माँ का पद तो पिता से भी बड़ा बताया है, सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। तो माता कह रही आदरणीय गुरुजन हैं वैसे ही मैं भी हूँ, मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती, वत्स मुझे दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। अब कुशल्या माता सोच रही है वन में भगवान को कष्ट उठाने पड़ेंगे, त्रिलोकीनाथ हैं वो तो कुछ कार्य करने के लिए आए हैं ना, तो तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है। इन स्वजनों से देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना है, तुम दो घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के रज से भी बढ़कर सुख देने वाला है। राम जी देखो सुख देने भगवान मिलते हमें तो वो बस सुख कहा ना कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयो सुदशरथ अजर बिहारी, भगवान मंगल का करने वाले हैं और अमंगल के हरने वाले हैं। वही कौशल्या माता कह रही है जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते लुहाटों से मार मार कर पीड़ित करने लगे, उस दिशा में मैं क्रोध से जल उठे उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुण मिलाप सुनकर इसे स्वधर्म पालन में बाधा मानकर आवेश में भर गए। भगवान को आवेश आ गया, वन में जाने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने धर्म में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर अचेत सी हो रही माता से और आंत एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसी उस अवसर पर भी वे ही कह सकते थे। लक्ष्मण मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारे पराक्रम कितना महान है यह भी मुझसे छिपा नहीं है, तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता जी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो, इस तरह मुझे अत्यंत दुख में ना डालो। बोलो रामचंद्र भगवान की। राम जी कहते हैं मुझे दुख में मत डालो। इस जीव जगत में पूर्व काल
पूर्व कृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं वह सब के सब यहाँ धर्म हैं, वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है। प्रेयसी रूप से काम का साधन बनती है और पुत्रपति होकर उत्तम लोक की प्राप्ति अर्थ की साधिका होती है। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश ना हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थ परायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं निंदा की बात है। महाराज, हम लोगों के गुरु राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं, वे क्रोध से हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दें तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं है ऐसे कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। इसलिए मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने में मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माता जी के तो वे ही पति गति तथा धर्म हैं। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषता अपनी धर्म में मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माता जी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है उस प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती है। अतः देवी तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं। जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे, केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। मां जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं जीवन तो अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का रज लेना नहीं चाहता। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्य पूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार बलिमान्ति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम।
रघुपति राग विराजा राम। पतिता पावन सीता राम, पतिता पावन सीता राम। श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज धुलारे राम, दशरथ राज धुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम। भक्तों के रख वाले राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न कौशल्या माता की, बोलो सुमित्रा माता की, बोलो ककई माता की, बोलो दशरथ जी महाराज की, बोलो समस्त अयोध्या वासियों की। हरे कृष्णा। रेखा माता सोनीपत से। कहाँ से? सोनीपत। रेखा माता हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी मैं नंदिनी माता जी की बहन हूँ। मैं नंदिनी माता सूरत वालों की बहन हूँ। अच्छा, ये कहाँ से बोल रही है? ये खुद सोनीपत में रहते हैं। सोनीपत से? जी जी। अच्छा, नंदिनी की बहन है ये जी। इधर क्या कर रही है फिर? कौन नंदिनी? तो महाराष्ट्र की है। अच्छा, नीतू माता। कौन सी? नीतू माता सूरत में। नीतू, अच्छा अच्छा, हाँ अभी समझ गया। अच्छा हाँ, उधर भी नंदिनी है। नंदिनी सूरत माता की, नंदिनी माता की बहन है ये जी। कहाँ से? सोनीपत। सोनीपत, हाँ। मैं आपका प्रवचन हर रोज सुनती हूँ, मंगल आरती करती हूँ, सोलह माला भी करती हूँ। मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। आप जैसे संत मुझे पूरा जीवन ढूंढने पर भी नहीं मिलते। आपके मैंने सपने में बहुत बार दर्शन किए हैं। कब मुझे वो सौभाग्य प्राप्त होगा जब आपके मुझे दर्शन होंगे? अब आप मुझे स्वीकार करके मेरा जीवन सार्थक करें। कृपया आप बताएं, आपने मुझे स्वीकार किया या नहीं? गुरु जी कृपा मुझे आप दीक्षा भी दें। आपकी बेटी रेखा। रेखा माता, जिस भाव से तुम कह रही हो तो उस भाव का अगर हम स्वागत नहीं करें तो हम भगवान के घर में दोषी हो गए। तुम कैसे सोचती हो कुछ स्वीकार किया या नहीं किया? तेरा भाव है रेखा माता, तो हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। भक्ति में आगे बढ़ो। तेरी बहन भी अच्छी है, बेचारी थोड़ी दुखी है, पति उसको थोड़ा ऐसा ही मिला है, शराब भी पति मिला है, पर क्या करें, हमारे कर्म हैं, कर्म को तो भोगना पड़ेगा ना। किसी को अच्छा पति नहीं मिलता, किसी को अच्छी पत्नी नहीं मिलती, ये सब कर्मों का चक्र है। कर्म प्रधान विषव करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। भगवान ने कर्मों को प्रधान करके रखा हुआ है, तो तुम्हें हम स्वीकार करते हैं। और तुम अपनी बहन का भी ध्यान रखा करो, वो बेचारी दुखी है, पर फिर भी पूनम माता का परिवार उनको मदद करता है। ठीक है रेखा माता। हरे कृष्ण। सीताक्षी माता सूरत से। परम पूज्य गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
गुरुजी आज मेरे पुत्र ठाकुर दास का जन्मदिन है, कृपया आप उसको आशीर्वाद दें कि उसको आशीर्वाद देकर उसको भक्ति पथ पर अग्रसर होने का आशीर्वाद दें। हस्ताक्षी माता, तेरे पुत्र ठाकुर दास के प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि प्रभुपाद और हरिदास ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करो, जो नाम प्रेम देने वाले हैं, और आदि गुरु नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि वो भक्ति दें और हमारा जो विषय विकारों की ओर, बुराइयों की ओर आकर्षण है, उससे हमें मुक्त करें। सुरुचि लूथरा माता दिल्ली से। कहाँ, कौन सी? सुरुचि लूथरा दिल्ली से। सुरुचि लूथरा, हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अब मुझे MBA करना है। आपकी कृपा से टेस्ट क्लियर हो गया है। अब 15 तारीख को मेरा 9 IIM का एक कॉमन इंटरव्यू है, आपका आशीर्वाद चाहिए। सुरुचि माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। तुम जब करती हो या नहीं करती हो, खाली पढ़ाई ही कर रही हो। जब बड़ा ज़रूरी है, भक्ति बड़ी ज़रूरी है, ये पढ़ाई जो है ये सारी भौतिक कामों के लिए हैं, जब अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है, और तुम जब करती हो जो नहीं करती हो, ये रिपोर्ट दो मेरे को। सुरुचि माता। रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करने का मन नहीं करता। मैं कुछ भी कर लूं, गुरुदेव मुझसे प्रयास ही नहीं होता, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते रहना है। रोशनी, कुछ कर्म बीच में आ रहे हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, लेकिन तुम प्रभुपाद हरिदास ठाकुर और नित्यानंद भगवान के चरणों में बार बार प्रार्थना करो कि मुझे मेरे जो कोई ऐसे कर्म आ रहे हैं, मुझे प्रयास नहीं करने दे रहे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। बार बार तुम उनके चरणों में प्रार्थना करो, मुझे आशा है तेरी प्रार्थना सुनेंगे। रोशनी माता। गायत्री सोनी माता नागपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे गुरुदेव, मुझ पतित पर आपकी कृपा कब होगी? गुरुदेव, मुझे आपसे दीक्षा कब मिलेगी या नहीं मिलेगी? गुरुदेव, मेरा ये जीवन व्यर्थ है, अगर मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं हुई तो मुझे फिर से 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। गुरुदेव, मुझ पापी पर कृपा कर अपनी शिष्य स्वीकार कर लीजिए। गुरुदेव मुझे आपके दर्शन की आस है, कृपा कर मुझे आपके दर्शन प्राप्त हों, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुदेव, राम नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ये भजन सुनाने की कृपा करें गुरुदेव। गायत्री सोनी है ना जी। गायत्री सोनी, तूने कैसे सोच लिया कि दीक्षा नहीं तेरे को मिलेगी? समय आने पे सब कुछ होगा, और जो पेपर फैसिलिटी वो फॉर्मेलिटी है, उसके लिए आप इंद्रानुज दास को संपर्क करो और आपको दीक्षा मिलेगी। समय आने पे सब कुछ होगा। क्यों तुम्हें भक्ति करो, नरक में क्यों जाना है? भगवान बड़े दयालु हैं, कृष्ण बड़े दयालु हैं। तो यही भजन सुनना चाहती है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। नहीं जी, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊंगा गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। लूट जिसका दिल चाहे, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे,
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन यौवन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा, सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे, कल तक अपना जगत सराए दो दिन की है आखिर होगी चलो चली, जगत सराए दो दिन की है आखिर होगी चलो चली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे सभी विपत में कोई साथ नहीं जाता है, छोड़ देंगे सभी विपत में कोई साथ नहीं जाता है, दो दिन का यह चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली, दो दिन का यह चमन खिला फिर मुल जाए, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम हीरे मोती मैं करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को, क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे जप ले कृष्ण के नाम को, झूठे धंधे कृष्ण के नाम को, समय यह फिर न मिलेगा पछताए मल तली तली, समय फिर न मिलेगा पछताए मल के, राम नाम के दीवो मैं बिखराऊं
गली गली राम नाम के जिस जिसने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिस जिसने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी वो आखिर कंगाल हुए, दुनिया के जो बने सोने चांदी मोती वालों मैं समझाऊं गली गली सोने चांदी मैं समझाऊं। कृष्ण नाम के राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली लूट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली लूट लो जिसका दिल राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे बोलो राम नाम कृष्ण नाम के हीरे मोतियों की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलो धनुर्धारी रामचंद्र भगवान की गोविंद गोविंद गिरधारी प्रभु अंबाला कैंट से। हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी अंबाला से 10-12 भक्त दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 10-12 भक्त दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से। महाराज जी आप उन पर कब कृपा करेंगे? आपका दास गोविंद गिरधारी दास। गोविंद जी इसके लिए आपने इंदिरा न्यूज को संपर्क किया? सब पास हैं? नहीं सब फॉर्मेलिटी पूरी है? तो गोविंद गिरधारी जी जिन लोगों का पता नहीं है इंद्रनोज जी को आप उनके बारे में बता दीजिए ताकि फिर ये भी जो है कार्य प्रभुपाद कृपा से एक दिन हो जाएगा। तो सबको यहीं बुला लेंगे या
गोवर्धन में बुला लेंगे, वहीं दीक्षा दे देंगे सबको। परमानंद माता मॉरिशस से, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। कुछ दिन पहले मेरा जन्मदिन था, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए एंड प्लीज़ ब्लेस मी टू रिमूव माई फियर एंड वीकनेस व्हेन माई प्रभु फॉल सिक। आई हैव द फियर ऑफ स्टेइंग अलोन इफ माई प्रभु फॉल सिक। प्लीज़ महाराज जी गिव मी योर स्पेशल ब्लेसिंग्स सो दैट आई अगेन लिव माई नॉर्मल लाइफ विदाउट फियर, विदाउट माई भक्ति बींग डिस्टर्ब्ड। थैंक यू। इसका नाम क्या रखा है हमने? इसका नाम कुछ और है, देवकी माता। देखो पूर्णानंद, देवकी माता जब तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी ना, फिर ये भय चला जाएगा। जैसे गोविंददास कविराज महाराज ने कहा है, भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरनर बृंद रे, भजहु रे मना श्री नंदन अभय चरनर बृंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग गुरु, तरहयाए भव सिंदूरे, तरहयाए भव सिंदूरे, अभय चरनर बृंदरे, अभय चरनर। देवकी माता, जब हम नंद नंदन का हृदय से भजन करेंगे ना, जैसे यहाँ हमारे आचार्य गोविंद दास जी कहते हैं, अभय चरनार वृंदरे, हम निडर हो जाएंगे। हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरनार वृंद का भजन करो। भगवान के चरणों का भजन अभय प्रदान करने वाले हैं, अभय प्रदानकारी हैं। समझाई देव की माता तेरे को? वो जो व्यक्ति उसका हरि बोल, वो चंडीगढ़ वाले का देव की माता ने दिया था ड्रेस, ने वो जो पैसे वाला, किसको किसको कुछ नहीं किया ना उसने? नहीं, उसके लिए हम आईजी को मिलेंगे। अच्छा, नहीं, आईजी जो है ना, वो जो चंडीगढ़ का आईजी है, वो हमारे बड़े प्रेमी थे आईएस अफसर, उनका बेटा है, दिए था ना, उनसे संपर्क करो और उनको बोलो कि गुरुजी जो आपके पिताजी के बड़े प्रेमी थे, वो अपना सीडी चीमा चरणदास चीमा, मैंने उनका रखा था के सी डी चीमा, कृष्ण चरणदास चीमा। तो उनको बोलना कि आपके पिताजी के बड़े प्रेमी थे, तो गुरुजी ने कहा कि थोड़ी आप मदद करो, ये चोर को जरा सीधा करने के लिए पैसे खा गया है चोर, हैं? तो वो बेचारी देखो कैसे ले गया उसे, लेके उसको वापस भेजने हैं पैसे। तो देव की माता, वो चोर ने पैसे जो तेरे खाए हैं 3 लाख, प्रयास कर रहे हैं हम, अभी लगे हैं, प्रयासरत हैं कि पैसे वापस मिल जाएं और वो चोर सीधा हो जाए।
में बंद करने में देर क्यों लगी? हैं? अच्छा अच्छा, सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। यहाँ किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है यहाँ पर। शर्मा जी, आपको कोई प्रश्न पीछे? कोई नहीं। इंटरनेट में कभी कभी पूछते थे पहले आप, है ना? आपकी धर्मपत्नी आई हुई हैं? कहाँ हैं वो? वो भी पूछती थी, आप भी पूछते थे। आप दोनों भी यहीं हो ना? अच्छा, नहीं अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? अरे ठंड में क्या करना है उधर? वो तो बहुत ठंड है, इधर भी है, इधर कम है थोड़ी। हरे कृष्ण। ठीक है, भगवान का नाम बोल